आज हम सभी की गरिमामय उपस्थिति में महाप्रभु के आशीर्वाद से, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ रुपया की विभिन्न प्रकल्पों की अनेक प्रकल्प और आज श्री गणेश आरंभ करागला शुभारंभ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग 36 कोटी टंका विनिमय हबो, लेडीज हॉस्टल 22 कोटी टंका रे हबो, बॉयज हॉस्टल 28 कोटी टंका रे हबो, स्टाफ क्वार्टर गेस्ट हाउस 7 कोटी टंका रे हबो, ये परिसर रो जीर्णोद्धार आउ 7 कोटी टंका विनिमय रे खर्च हबो करा जीवो। ये तो अयम आरंभ, आगामी दिन रे निश्चित रूपे भारत सरकार या ऊपर प्राथमिकता आहुरी दबो, ये निश्चित भावे मु प्रतिश्रुति आ दायित्व तो नेकी जाउछ। बंधुगण, विशेष करके विद्यालय रे पढ़ौथुबा प्राध्यापक और विद्यार्थी और मु देश तमाम संस्कृत रो छात्र आ विद्यार्थी विद्यार्थिनी आ अध्यापक मानको आत्मीय सहकार जाने, मोर प्रत्यक्ष शिक्षक आदरणीय प्रफुल्ल सार थिले, मु तांको ठु आरंभ करी चमु कृष्ण शास्त्री को आरंभ करी माननीय अतुल नंदन को पर्यंत जाने, हरे कृष्ण सार बरखेड़ी जी एवं विद्वान मानक संग मिसे आज संस्कृत आकांक्षा संस्कृत का आकांक्षा और अपेक्षा कहां तक है। यहां बीएड करेंगे और स्कूल में टीचर रहेंगे और थोड़ा बहुत कॉलेज में प्राध्यापक हो जाएंगे, एटा सत कथा ना भौणी माने, एटा मु जहां कहले एटा सत पिला माने। आमर आंबिशन हवा दरकार, आज वैज्ञानिक माने नवाचार इनोवेशन ये सिद्ध करी सारी, कंप्यूटर कोडिंग बने बारे सबुठु अनुजाई भाषा संस्कृत भाषा, सुपर कंप्यूटर बनुचे, क्वांटम कंप्यूटिंग रा कथा आसुचे, सदाशिव कैंपस नीलू बाबू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एर युग आरंभ है। ये युगरे मोर अपेक्षा रहिबो, ये महानुभव मानक पाखरे संस्कृत विद्वानों से देश भर की संस्कृत विद्वान आए हैं, हम यहां एकत्रित नहीं हुए केवल लक्ष्मी पुराण की पुराने बारे में चर्चा करने, पुरानी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, भाषा विशेष करके संस्कृत भाषा विश्व की एक वैज्ञानिक भाषा है, भारत की वाङ्मय में जितने भी भाषा है जो अपने आप में परिपूर्ण है, हाँ तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, अनेक प्रांतीय भाषा के नाम पे जाना जाता है, अनेक पुरातन भाषा भी है, तमिल विश्व की पुरातन भाषाओं में एक है, हमारी उड़ीसा में 60 से ज्यादा जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी भी अपनी अपनी भाषा है। अभी हमें सौभाग्य मिला, मेरे महाप्रभु जगन्नाथ को तो आदिवासियों का देवता माना जाता है, आदिम जनता देवता माना जाता है, ये सभी की अलग अलग भाषा है। अभी तो हमने कुछ दिन पहले कुई भाषा की, देसिया भाषा की प्राइमर बना के सामने लाए हैं, और आने वाले दिनों में संस्कृत ये सारे भाषा के मदर लैंग्वेज के रूप में काम करे, ये मेरा अपेक्षा है। टीचर बनिए स्कूल की नहीं, स्कूल को जिनको बनना है बन जाइए, पूरा समाज की बनिए, टेक्नोलॉजी की बनिए, विज्ञान की बनिए, चिकित्सा की बनिए। आखिर वेद किस भाषा में लिखा गया है? जिस वेद में चिकित्सा के बारे में उल्लेख है, जिस वेद में न्याय शास्त्र भी उल्लेख है, जिस वेद में राजनीति है, जिस वेद में समाज नीति है, इतिहास है, मेट्रोलॉजी है, ये सारा वेद विद्या तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसीलिए सिर्फ हाई स्कूल की टीचर बनने की एंबिशन नहीं, विश्व को ज्ञान देने की ताकत संस्कृत भाषा में है, और यह सदाशिव विश्वविद्यालय हम लोगों की दायित्व है उसको विश्व की आधुनिक अर्थनीति की एक
कैटलिस्ट हम लोग बनाए, यही हमारा अपेक्षा है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।